दोस्तों मैं हूँ मारुति फार्म, जहाँ पे आप देख पा रहे हो गिर गाय। ये है गुजरात के वडोदरा में। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी शानदार गिर गाय। अगर आप गुजरात आए और गिर गाय का वीडियो नहीं किए तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया हो। आइए, मैं यहाँ के शौकीन जो है, यहाँ इस फार्म को चलाने का मकसद सिर्फ शौक पालना और दूध भी सेल होता है, काफी सारा नॉलेज मिलने वाला है। और एक गाय मैं ऐसा दिखवाऊंगा, एक बैल ऐसा दिखवाऊंगा जो लगभग 20 बरस से भी पुराना है, तो उससे भी मिलवाऊंगा। आइए ओनर साहब से मिलवाता हूँ। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया है। क्या नाम हुआ सर आपका? बीरेन पटेल। कितने दिनों से है ये, सबसे पहले उसके बारे में बताएं। ये हमारा ऑलमोस्ट 6-7 साल से है। 6-7 साल से है। सिर्फ शौक है आपका? वो क्या है, हम लोग इधर 15 साल से रह रहे हैं, तो हम खुद के लिए 2-3 गाय और 2-3 भैंस रखते थे। मतलब इस एरिया में 15 साल से रह रहे हैं? हाँ। ओके, इससे पहले हम गांव में रहते थे, फिर हम लोग इधर फार्म में शिफ्ट हो गए रहने के लिए। तो हम लोग खुद के लिए रखते थे 2-3 गाय और 2-3 भैंस, लेकिन फिर ये सब न्यू डेवलपमेंट एरिया है तो सब लोग ने देखा कि इधर फ्रेश मिल्क अवेलेबिलिटी है, तो सब डिमांड हुआ कि हमको भी देना, हम लोग लेंगे। और मेरे फादर पिताजी है घनश्याम भाई पटेल, अंकुड़िया गांव से, तो उनको बहुत शौक है। वो जब से छोटे से तब से उनको जानवर से बहुत लगाव है। तो पहले हम खेती भी करते थे, तो बुल भी रखते थे, लेकिन अभी तो खेती के लिए सब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से ट्रैक्टर वगैरह सब आ गया है, तो लेकिन पापा को बहुत शौक है, तो हम लोग 4-5 बैल भी रखते है और सब ये गिर गाय है, देसी गाय है और बफेलो रखते है। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि हमने शौक से 2-4 पहले रखा था, हाँ। उसके बाद से धीरे धीरे दूध की डिमांड बढ़ती गई और आपने बढ़ाते चले गए। ये लगभग 7-8 साल हो गए। हाँ जी, 7-8 साल हो गए। ओके, दूध का रेट क्या मिल रहा है आपके इस एरिया में? हम लोग पर लीटर 80 रुपीज हम लोग दे रहे हैं, यहाँ से 80 रुपए में बेच रहे हैं। और सब लोग कस्टमर जो भी है वो लोग खुद अपना बर्तन लेके आते है। हम लोग का टाइम है सुबह 7:30 से 7 बजे से 8 बजे का और शाम को 5 बजे से 6 बजे का। इसके अलावा क्या बिजनेस है सर आपका? हम लोग फार्मिंग करते हैं और पार्टी प्लॉट है हमारा। ओके, हाँ, तो ज्यादातर समय उधर देते हैं। हाँ, ये साइड बिजनेस कह सकता हूँ मैं? साइड बिजनेस नहीं, ये क्या कि बहुत शौक है पापा को कि भाई अच्छे गाय को पालना, खिलाना, पोसना। और जो भी कस्टमर है उनको मेन मोटिव ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए फ्रेश मिल्क और एकदम जीरो एडिशन वाला मिल्क हम लोग दे रहे हैं कि जैसे निकलते और वो लोग ले जाते हैं। आपके एरिया में इस टाइप का दूध जब आप यहाँ पे आए थे तो अवेलेबल नहीं थी? नहीं थी। और आज भी हमारे एरिया में ऐसे गिर गाय और देसी गाय का फ्रेश मिल्क कहीं भी नहीं मिलता है। ओके, इस वजह से आप लोगों ने ऐसा सोचा कि कस्टमर के डिमांड के मुताबिक बढ़ाते चले गए। अभी कितना पशु है टोटल? अभी इधर हमारे पास 70 से 80 पशु है। 70 से 80 पशु है। दूध कितना निकल रहा है पर डे? पर डे हमारा दोनों टाइम का मिला के 200 लीटर जैसा हो रहा है। 200 लीटर पर डे सभी यहाँ से सेल हो जाता है। हाँ, खिलाते क्या क्या है? जैसा कि मैं अभी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सूखा चारा दिया गया, हरा चारा मिक्स करके हम लोग खिलाते हैं। ओके, दाना? और दान में मकई का दान, मगफड़ी का दान और गेहूं का लोट खिलाते हैं। ओके, अगर आपके पास तो धीरे धीरे बढ़ता सा चला जाएगा, कोई भाई किसान अगर कोई शौक रखता हो गिर गाय का तो उसको अगर अवेलेबल कराना हो तो आप देंगे? हाँ जी पक्का। अगर किसी को भी कुछ भी डिमांड चाहिए तो हम लोग इधर से उनको अच्छा सा प्रोवाइड कर सकते हैं। और हाँ, गिर भी दे सकते हैं उनको। अगर बुल चाहिए, अच्छा मेरे पास 3 बुल भी है, ये आप देख सकते हैं उधर बाजू में भी। अच्छा, 3 बुल आपने रखा है, सभी को बारी बारी से सभी से क्रॉस करवाते हैं। ओके, कोई ऐसी गाय से मुझे मिलवाइए जो काफी सुंदर हो, दूध बढ़िया हो। ये एक गाय है, फिर एक गंगा है अपनी। सबसे पुरानी गाय? पुरानी गाय गंगा, ये रही, ये जो बड़ी वाली है ना। हाँ, ये आपके सबसे पुरानी गाय है? वो अभी 1 टन का 8 लीटर की गाय है ये। ओके, एक टाइम में 8 लीटर दूध करती है। और जो भी आपके फार्म पे इतना सारा गाय देख पा रहा हूँ, इन सभी गायों अपने फार्म की तैयार हुई हुई है या आपने सब खरीदा है? नहीं, काफी सारी इधर की है, फिर जो अच्छी लग रही है अगर मिलती है तो हम लोग खरीद लेते हैं। इसने कब, कितना दिन पहले बच्चा दिया है? ये 2.5-3 महीना हो गया है। कितना दूध अभी भी होगा इसका? अभी इसका 7 से 8 लीटर दूध है। 7 से 8 लीटर एक टाइम का? हाँ। दूध करती है? हाँ जी। ओके, इसने क्या बच्चा दिया अभी? बछड़ी है। बछड़ी है, ओके, काफी सुंदरता है। इसको आपने खरीदा था या फिर? हाँ, ये हमने खरीदा था ऑलमोस्ट 4-1 साल पहले।
कितने का? वो उस टाइम पे हमने 35,000 में लिया था। ओके, अगर हम आपके पास जैसे जो बछड़ी देख रहे हैं, ये सभी अगर बछड़ी, जैसे ये प्यारा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बछड़ी है, बहुत बहुत प्यारी बछड़ी है। थोड़ा पैर से शायद दिक्कत है, पैर में इनका? नहीं नहीं, वो इस तरह से खड़ी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई गीर गाय का शौक रखता हो और एक आध बछड़ी आपसे खरीदना चाहता हो तो क्या प्राइस होगा लगभग? वो बछड़ी की उम्र के हिसाब से होता है, उम्र के हिसाब से। ओके, लेकिन मिनिमम 35 से शुरू करके 70 तक रहता है। 35,000 से रुपए से 70,000 रुपए। तो मैं, आइए मैं बुल से मिलवाता हूँ। यहाँ के फार्म पे जो बुल है, फर्स्ट यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, एक बुल ये है और दो तीन बुल यहाँ पे है। एक स्वर्ण कपिला का बुल है जो काफी शानदार देखने मिल रहा है आपको यहीं से, और एक शौक से घोड़ा भी रखा है। सर सवारी करते हैं, सिर्फ शौक है? चलाते हो आप? चलाते हो? चलाते। ओके, तो स्वर्ण कपिला से मैं मिलवाता हूँ। स्वर्ण, ये हमने है ना पावनगर से 15,000-20,000 में लिया था जब छोटा बच्चा था। कितने दिन का बच्चा होगा? और उस टाइम पे समझो ना, 1 साल का होगा वो। 1 साल का बच्चा आपने 20,000 में भावनगर से आपने लेकर आया इसको खरीद के, और ये अभी मिनिमम 3.5 साल का हो गया है। इससे क्रॉस कराया आपने? हाँ, ये वो जो बछड़ी आपने वो देखी पैर वाली, वो इसकी है। ओके, इसकी बछड़ी। तो मैं तो चाहूंगा कि आप इससे क्रॉस करवाइए ताकि ज्यादा बढ़िया आपको निकलेगा। और जो अनसेलेक्टेड बुल है उसको दूसरे फार्म पे जो वो लेना चाहते हैं इससे ही करवाते थे, लेकिन अभी ये नया लाए पापा के फ्रेंड की वहाँ से। अच्छा, तो चेंज करना भी जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे बुल का और घोड़े का देखा आपने, तो आइए मैं मिलवाता हूँ एक बैल से जो काफी पुराना और काफी हेवी बैल है। तो मैं बता दूं, ये एक फार्म नहीं, एक बंगला है। यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे हो, गार्डन का जो एरिया है उसके अंदर से मेंटेन किया गया है गायों को, और गार्डन का जो एरिया है उसमें मैनेज करके रखा गया है गायों को। एक्चुअली शौक है बस, मैं तो यही देख पा रहा हूँ जहाँ तक। और आम की गाछ वगैरह जो देख पा रहे हो, काफी खूबसूरत सा फार्म सा लग रहा है, और इनको रहने का काफी बढ़िया व्यवस्था किया गया है। पूरे फार्म की बात करूँ, यानी ये गार्डन पूरा जो हाउस है, पूरे फार्म की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार है। और इस एरिया में जो मैं बैल से मिलवाऊंगा आपको, यहाँ से चलते हैं। गुजरात में ऐसा अक्सर देखा गया है, जिनके पास किसी दूसरे बिजनेस से बढ़िया पैसा आता है तो अच्छा सा घर, अच्छा सी गाय, दो चार गाय का शौक रखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफी बढ़िया घर भी बनाया गया है जिसमें रहते हैं खुद। तो मेरा मतलब वीडियो बनाने का मकसद इससे ये जाहिर नहीं होता कि आप फार्मिंग कैसे कर पाएंगे इस वीडियो से। सीखने को तो ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आपको मिलेगा, लेकिन एक शौक जिनके पास पैसा होता है, यहाँ के लोगों के पास अक्सर वो बढ़िया सा गाय और शौक बढ़िया सा एक छोटा सा गीर गाय का फार्म करते हैं और गीर गाय से लगाव करके अपना फार्म को चलाते हैं। तो बैल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गीर है, और बैल वहाँ चला गया, वहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बैल के बारे में जानेंगे, चलते हैं बैल के पास। और यहाँ पे कुछ भैंसे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो जाफराबादी क्रॉस ब्रीड में। सर भैंस का दूध का अलग डिमांड है या फिर मिक्स करके कैसे? नहीं नहीं नहीं, भैंस का अलग रखते हैं और गाय का अलग रखते हैं, क्योंकि कई लोगों को गाय का दूध नहीं सेट हो रहा है तो वो लोग भैंस के एडिक्टेड होते हैं, तो फिर वो लोग का डिमांड भैंस रहता है, उसकी वजह से हमको इतना भैंस लाना पड़ा। अच्छा। पहले हम लोग घर के लिए एक ही भैंस रखते थे। अच्छा, मतलब आपके घर के लिए गीर गाय का दूध भी रखते थे और भैंस का दूध भी रखते थे। तो हम आ गए उस बैल के पास जिसकी हम बात कर रहे थे। सर इसके बारे में बताएं कि क्या उम्र हो गया और क्या वजह से आपने अभी तक रख रखा है इसको? वो दोनों का मिनिमम उम्र मैं बताऊं आपको तो 20 साल से करीब करीब होगा। आप कितने दिन से देख रहे हो? मैंने 15 साल से हम लोग, मैंने देखा है कि पहले खेती में यूज किया था, लेकिन 15 साल से हम लोग अपने शौक की वजह से खा पीला के इसको इधर रखते है। पापा को बहुत अच्छा है, सब जानवर से बहुत लगाव है मेरे पापा को, तो उसके शौक की वजह से हम लोग इसको रखते है इधर। मतलब इनसे अभी कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं करवाते, लेकिन 15 साल से खाला पिलाते पिलाते, और ये तो अभी थोड़े उम्र की वजह से थोड़ा सूख गए ये लोग, वरना आप 2-5 साल पहले देखते तो अब इधर लोग हमारे एरिया में छोटे बच्चे इसके पास सेल्फी फोटो पढ़ाने भी आते हैं। अच्छा। मतलब सेल्फी के लिए रह गया है, मतलब अभी कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आपने इससे काम लिया है आज से 15 साल पहले, तो काम लिया है इसके वजह से आप इनको रखे हैं कि आपके फार्म पे ही इनका जो भी हो लास्ट हो, है ना, इस वजह से। ओके, तो दोस्तों पूरा मैंने फार्म घुमाया, यहाँ से भी मैं एक लुक देता हूँ आपको, इस तरह से कुछ दिखता है।
सर मैं ये तालाब जो देख पा रहा हूँ इसकी क्या यूज करते हो आप? ये तालाब हमने हमारे बोर से ही हम लोग भरते हैं। मानसून में सिर्फ भर जाता है लेकिन बाकी दोनों सीजन में थोड़ा खाली हो जाता है, तो हम लोग भर देते हैं बोर से। और जो हमारे भैंसे हैं वो लोग अंदर नहाने के लिए जाती है तो उनको भी भैंसों के लिए स्विमिंग तालाब। हाँ जी। Okay. और दूसरा पर्पज ये है कि जो हमारे एरिया में पूरे एरिया में कैसे भी ऐसा छोटा तालाब नहीं है, तो जो रास्ते पे वो जो गाय भैंसों भी आती है तो वो लोग के लिए भी हम लोग ये यूज करवा देते हैं। और उन लोग को भी पानी वानी में नहाना हो पीना हो, और ये जानवर लोग रहते हैं वो लोग सब ये इसका तालाब पे यूज। अच्छा, तो उनका आने का रास्ता ये इधर से ही है, ये काम चालू है। मेन रोड ये खुला ही रहता है। अच्छा, ये खुला। ओके, इतना दूर खुला छोड़ देते हो आप ताकि कोई भी अदर जानवर आके इसमें पानी वगैरह पी ले, किसी तरह का दिक्कत ना हो उनको। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।